और मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? वज़ीर-ए-आज़म ने हकायक जानने के लिए 3 रुकनी आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी हकायक के तनाजुर में जिम्मेदार अफराद, इदारों या फिर अफसरान का तायुन करने समेत मुस्तकबिल के हवाले से सिफारिशात भी पेश करेगी। चीनी बहरान के हकायक जानने के लिए बनाई गई कमेटी में डायरेक्टर जनरल FIA, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब और इंटेलिजेंस ब्यूरो का ग्रेड 20 या 21 का अफसर भी शामिल होगा। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी मरासे में भिजवाए गए सवालात में कहा गया है कि क्या इस साल चीनी की पैदावार पिछले साल के मुकाबले में कम थी या कम पैदावार चीनी की कीमतों में इजाफे का बायस बनी, क्या हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की जाने वाली गन्ने की कीमत सपोर्ट प्राइस काफी थी। मरासे में कहा गया है कि क्या एक्स मिल और परचून की सतह पर चीनी के फरोख्त के मार्जिन पिछले सालों के मुकाबले में बढ़े या नहीं बढ़े, अगर हाँ तो क्यों और इससे किसने फायदा उठाया, टैक्स में इजाफे का चीनी की कीमत पर कितना असर पड़ा, क्या चीनी की बरामद ठीक थी, चीनी की बरामद पर सब्सिडी और इसके असरात और इससे कौन मुस्तफीद हुए समेत दीगर सवालात शामिल है। कमेटी को हिदायत जारी की गई है कि वो हकायक के तनाजुर में जिम्मेदार अफराद, इदारों या अफसरान का तायुन भी करे। कमेटी इस बात का भी जायजा लेगी कि क्या किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की गई। इसके अलावा कमेटी मुस्तकबिल के हवाले से सिफारिशात भी पेश करेगी।